तो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट ऑफ द वीक 577 का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये शॉर्ट जो है वो ग्राउंडेड गोल्ड ग्राउंडेड शॉर्ट है। आपको 8 फ्रेगमेंट देके इस शॉर्ट को शॉर्ट बुक या फिर क्विस्ट में से खरीदना पड़ेगा। तो गाइज, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं कि ये बॉल कैसे कनेक्ट होता है, किस लेंथ पे कनेक्ट होता है, कौन से टाइप का बॉल के ये कनेक्ट नहीं करता है, ए टू जेड आपको बताने वाले हैं मल्टीप्लेयर के अंदर। तो आपको सबसे पहले आप क्विस्ट से ही खरीद सकते हैं और शॉर्ट बुक से भी खरीद सकते हैं। तो हम शॉर्ट बुक में आ चुके हैं और देख लीजिए 577, इसके लिए आपको 8 गोल्ड फ्रेगमेंट देना पड़ेगा। हालांकि इससे आप चौका ही मार सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक ग्राउंडेड शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम इसे परचेज करते हैं। तो देख लीजिए, फाइनली हमने इसे परचेज कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं अपने शॉर्ट मैप में चल के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट हम आपको बता दें कि ये बस स्पेशल शॉर्ट है, सारे बैट्समैन के लिए ये शॉर्ट स्पेशल है। 577 आप स्पेशल में जा कर के किसी भी बैट्समैन को लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कि किस किस लेंथ को ये शॉर्ट कनेक्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे यॉर्क लेंथ की बॉल है, हमने इसे भी कनेक्ट करवा दिया। तो यॉर्क लेंथ की बॉल को ये कनेक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फुल लेंथ की बॉल को भी ये शॉर्ट कनेक्ट करता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब आपको हम बात करते हैं यहाँ पे गुड लेंथ, तो गुड लेंथ को भी कनेक्ट कर लेता है। लेकिन वहीं बात करें कि शॉर्ट लेंथ की, तो शॉर्ट लेंथ की बॉल को ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता है किसी भी कीमत पे। तो ये हो गया आपका लेंथ। अब बात करते हैं गाइज, क्या पोजीशन पे इसे खेल सकते हैं। तो अगर बॉल सीधा रहे तो बॉल के लाइन में रह के आप इस शॉर्ट को खेल सकते हैं। अगर बॉल अंदर आए तो आप बॉल से एक स्टेप की दूरी रख सकते हैं, और बॉल अगर ज़्यादा बाहर जाए तो आप बॉल के लाइन में जा करके खेल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया पोजीशन। अब बता दें कि ये शॉर्ट किस, मतलब कि बॉल को कनेक्ट नहीं करता है। तो गाइज, मैं बता दूं कि स्पिनर के गुगली, जो कि गुड लेंथ पे गुगली होगी, उसको कनेक्ट नहीं करता है। बाकी सारे कैरम, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सबको कनेक्ट करता है, स्लीपर सब कुछ को कनेक्ट करता है। तो अब हम आपको बताते हैं गाइज कि शॉर्ट को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो मैं बता दूँ कि ये, तो मतलब कि अब तक के ग्राउंड गोल्ड ग्राउंडर शॉर्ट में मुझे कहीं ना कहीं ये सही शॉर्ट लगा है। और अगर आप पोजीशन सही से नहीं करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे स्टम्प आउट हो जाओगे। स्पिनर के अगेंस्ट अगर आप नहीं करोगे पोजीशन सही तो आउट हो जाओगे। अगर आप पोजीशन कर दोगे तो यहाँ पे चौका शॉट अच्छे से खेलोगे तो चौका मिल जाएगा। हालांकि अगर वहाँ पे फील्डर होगा तो सिंगल डबल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, स्टम्प आउट का भी इसमें खतरा है। तो आपको सब कुछ इस शॉट के बारे में बता दिए, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।